कपकोट तहसील के अंतर्गत ग्राम भनार में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। महिला के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कपकोट पुलिस को तहरीर दी है। ग्राम भनार निवासी 38 वर्षीय भवानी देवी का घर के भीतर ही लटका हुआ शव बरामद किया गया था। मृतका के पति भोपाल सिंह ने बताया कि भवानी देवी ने घर के भीतर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। इधर मृतका के भाई गिरीश सिंह कोरंगा ने बताया कि उसकी बहन की हत्या कर शव लटकाया गया है। मृतका की फोटो देखकर कतई नहीं लग रहा है कि उसने आत्महत्या की होगी। भाई ने बताया कि मृतका का शव घुटनों के बल पर जमीन पर टिका है, साथ ही उसके हाथ और पैर मिट्टी से सने हुए हैं। ऐसे में ससुराल पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिलहाल कहना मुश्किल है कि महिला की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या। कपकोट पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटना गांव भनार के तो नेकाना की है और उस दिन सामान्य दिनों की तरह हम लोगों ने भोजन किया। भोजन के पश्चात सभी लोग सो गए थे। सोने के पश्चात जो है वो हम लोग जो है सो गए थे। वो सामान एक अलग सा कमरा था, उसमें जो है जब कभी मासिक धर्म की स्थिति होती थी तब वो वहाँ रह लेते थे। क्या नाम होगा उनका? भवानी देवी। उम्र 42 के करीब होगी। कमरे में चले गए थे। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ वो हमने सुबह ही देखा। फिर किस परिस्थिति में सुबह मिली आपको? वो वहाँ पर लटकी हुई थी। आत्महत्या है ये मेरी नज़रों में, क्योंकि मैंने तो वही देखा। फिर ये मेरी बहन थी, भनार गांव में ब्याह हुई थी। नाम भवानी देवी, 38 साल उम्र है। मुझे पूरा अंदेशा है कि मेरी बहन को इन्होंने मारा है। हम सूचना मिली आपको? ये मुझे परसों 6:22 में मिली थी सुबह, और मुझे पूरा अंदेशा है कि इन्होंने मेरी बहन को मारा है और मार के लटका रखा है। क्योंकि जो उसके पैर थे जो ज़मीन में थे, और नीचे ज़मीन पर बिल्कुल भी मिट्टी जो है खुदी हुई नहीं थी, और ये खाना खाने के बाद ये घटना है बता रहे हैं, जो कि खाना नहीं खाया था मेरी बहन ने, इसलिए पूरे हाथ और पैर में गोबर और मिट्टी लगी हुई थी। और इससे पूरा अंदेशा है कि मेरी बहन को इन्होंने मारा है और योजनाबद्ध ढंग से मारा है। पहले से ये मेरी बहन को, मेरी बहन का उत्पीड़न करते थे, और कई बार जो है मेरी बहन ने हमसे शिकायत की, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा को रखते हुए मेरी बहन बोलती थी कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। लेकिन जब इनके घर में हम जाते थे तो तत्पश्चात भी ये कहते थे कि हम ठीक है, हम इसके बाद हम इसको नहीं डांटेंगे, इसको नहीं मानेंगे। मेरी बहन बिल्कुल, आप समाज से भी पूछ सकते हैं, उसके उस एरिया के लोगों से भी पूछ सकते हैं कि मेरी बहन का नेचर किस प्रकार से था। सभी लोग वहाँ पर दुखी थे। कल महिलाएँ आई थी। मैं पूरे शासन प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि मेरी बहन को न्याय मिले, और जिसे जो है समाज में इस प्रकार की घटना भविष्य में न हो, और इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न न हो। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।